या जिस दिन झगड़ा हुआ उसी दिन दिन में कैंची चली थी, तो उसका तो बात वही है कि सबसे पहले तो हमारे मजहब इस्लाम ने चूंकि इल्म दीन सीखने का हुक्म दिया, फिर उलमा की सोहबत में रहने की तरगीब भी दी है। अगर ये दो चीज़ें इंसान इख्तियार कर ले कि बाकायदा जो इल्म उस पर हासिल करना फ़र्ज़ है उसे हासिल करे और उलमा की सोहबत में रहे, तो फिर इस किस्म के वसाविस में मुबतला होगा ही नहीं। मसला ये होता है कि तालीम शरा मौजूद नहीं, जहन उससे खाली है और हम ऐसी सकाफत में और ऐसे कल्चर में है कि वहां पर इस किस्म की बातों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। बल्कि तो सकाफत नहीं बल्कि तहजीब हो गई, वो कह लें आप तहजीब भी कह सकते हैं उसको। तो उसका नतीजा निकलता है कि एक अगर उसको बात उछटती से कहीं मालूम होती भी है और वो भी बाकायदा उलमा से नहीं बल्कि बाज लोग वैसे समझाते हैं ये तवहमात इसकी परवाह मत करो, ठीक, तो उसको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता बल्कि मुआशरे में जो बात ज्यादा गर्दिश कर रही है उसको ज्यादा अहम और मुस्तरद मालूम होती है, ठीक। और फिर जब एक मुतवक्के नतीजे के साथ उसी अफवाह को तकवियत भी मिल जाए तो उसका यकीन और पुख्ता हो जाता है। हम तो देखा रहे ऐसा हो गया। इसी वजह से भाई जो बाज अकाबरीन होते हैं वो बाज बज़ाहिर तवहमात को तकवियत देते हैं बज़ाहिर कि भाई ऐसा ना करो। मिसाल के तौर पर जैसे मंगल के रोज अकाबरीन ने लिखा है कि अगर वो कपड़ा सिया जाएगा तो जल जाएगा या कट जाएगा, तो उनका मकसूद हरगिज ये नहीं है कि वो माज़ल्ला ज़ईफ़ुल एतिक़ादी आम करना चाहते हैं या किसी के जहन को कमजोर करना चाहते हैं या तवहमात में मुबतला करना चाहते हैं, बल्कि उनका असल मकसूद ये होता है कि जो जाहिल किस्म का आदमी अगर उसको मसला बताया जाए तो उसका जहन उस मसले को मुमन जल्द कबूल नहीं करता बल्कि अफवाहें ज्यादा उस पर असरअंदाज होती हैं। अब उसके मुताबिक जब रिजल्ट निकलेगा तो ये उसके ईमान के लिए एक इम्तिहान होगा कि वो कहेगा देखा ना मौलवी ने मरवा दिया, मैं तो अच्छा होता चल रहा था, ना करता ना तो ऐसा होता। अब उसको संभालना बड़ा मुश्किल है, अब तो वो कभी भी नहीं मानेगा ना इस चीज को। तो इस वजह से उलमाए इस्लाम ने बाज ऐसी चीजें जो मुआशरे में बहुत ज्यादा मारूफ हो जाए उनकी मजम्मत करने के साथ साथ बाज औकात ही कह देते हैं, जैसे किसी ने आके मसला पूछा ऐसा होता है तो कहा भी एहतियात कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि हम इसको कहें कि कोई परवाह ना करो और वैसे हो जाए तो फिर इसके ईमान का मसला बन जाए। अगर कंची चलाने से यूसुफ भाई झगड़ा होता तो फिर तो हजाम की दुकान पे सबसे ज्यादा झगड़ा सबसे ज्यादा होता फिर आज तो बड़ी बात है। मुझे ईमानदारी की बात है, आज बड़ी खुशी हो रही है, मेरे पसंदीदा मौजू है ये।